प्रियो, ये स्टीफन है और ये प्रभु के पास आता है, प्रभु उसे बहुत प्यार करता है और प्रभु के साथ है, प्रभु उसके संग है और वो रोज प्रार्थना करता है। प्रभु के पास आता रहता है हमेशा और वो प्रभु में हमेशा स्ट्रांग रहता है, हमेशा प्रभु में बना रहता है और अपना जीवन प्रभु को देता है। तो अभी हम इसका नाटक देखेंगे। अरे जियन, अरे सर, आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे प्रभु की दया से, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर है, तो सबके जीवन में परमेश्वर होने के कारण सबके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। तो मैं भी परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जब से मैं परमेश्वर में आया हूँ, परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत आशीष दिए और उसी आशीष के द्वारा आज मैंने एक गाड़ी खरीदी की है और उसी गाड़ी को मैं आज चलाने वाला हूँ। और मैं सबसे पहले परमेश्वर से विनती करूँगा कि परमेश्वर मेरी गाड़ी में आए, वो मेरी गाड़ी में बैठे और वो मेरे साथ है। तो हम नाटक को शुरू करेंगे। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे पिता अब्बा यीशु के नाम से। प्रभु आपके चरणों के पास आकर प्रार्थना करता हूँ। प्रभु सच में प्रभु आपने मुझे बहुत आशीषित किया, मेरे जीवन में प्रभु आपने बहुत आशीष दी, शून्य से प्रभु आपने मुझे बढ़ाया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ कि जो गाड़ी प्रभु मैंने ली है उस गाड़ी में प्रभु आप आइए और आप विराजमान हो जाइए। ये मेरी आपसे विनती, मेरी प्रार्थना यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन। और जैसे वो प्रार्थना करता है उसी घड़ी यीशु मसीह उसके गाड़ी में आ जाते हैं। प्रभु यीशु, आप, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप मेरी गाड़ी में बैठे। हाँ बेटा, ठीक है। और उसे पहली कुर्सी दी गई ताकि वो उस जगह पर बैठे और उसके जीवन में कि मेरी पहली सीट और मेरे गाड़ी में हमेशा मसीह रहेगा, इसी रीति से वो प्रथम स्थान प्रभु को देता है और बहुत खुश हो जाता है कि आज उसकी गाड़ी में यीशु है और वो गाड़ी चालू करता है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आप मेरी गाड़ी में आए। तो अभी हम गाड़ी शुरू करेंगे। गाड़ी चालू हो जाती है। गाड़ी चालू होते समय गाना गाते गाते जा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। मसीहों की गाड़ी में किसकी गाना रहता है? प्रभु का गाना रहता है। इसलिए ये भी अच्छा प्रभु का भक्त है, इसलिए इसने भी अपनी गाड़ी में प्रभु का ही गाना बजाया। आखिर में आगे चलते समय उसे एक कस्टमर दिखाई देता है। प्रभु जी, प्रभु जी, कोई तो कस्टमर दिखाई दे रहे हैं, मैं गाड़ी रोक रहा हूँ। हाँ बेटा, रुकाओ। कहाँ जाना है मैडम आपको? मुझे इंडी स्टूडियो जाना है। आपको इंडी स्टूडियो जाना है? ठीक है। ये गाड़ी कहाँ जा रही है? ये गाड़ी तो खोपोली जा रही है। ओके, तो हमें वहाँ तक छोड़। हाँ हाँ, चलिए पहले सीट चाहिए क्योंकि हमें, मैं एक एक्टर हूँ तो मुझे पहले सीट पर बैठना अच्छा लगता है। पहली सीट चाहिए? पहली सीट पर तो मैंने परमेश्वर को बिठाया। रुको, मैं एक काम करता हूँ, परमेश्वर से बात करता हूँ। प्रभु जी देखो, पहले कस्टमर है, पहली बार आए, तो एक काम कीजिए, आप दूसरी सीट पर बैठ जाइए, वो सीट भी अच्छी है। प्रभु आप उधर बैठ जाइए, फिर वो लोग इधर बैठ जाएंगे। आइए आइए बैठिए। इस रीति से हम देखते हैं कि प्रभु को उठाकर उसने क्या किया, जो सीट पर, जो प्रथम स्थान जो प्रभु को था, वो उसने धीरे धीरे किसी और को दे दिया, जो एक बड़ी एक्टर है जिसे बहुत आगे बैठना अच्छा लगता है, बहुत स्टाइलिश है, संसारिक है, फिल्म इंडस्ट्री को। इस रीति से गाड़ी चालू करने के लिए उसने फिर से परमिशन मांगा। चलो अभी हम गाड़ी चालू करते चलेंगे प्रभु जी। प्रभु का धन्यवाद। ये कौन सा गाना बजा रहे हो? थोड़ा हिंदी मूवी का गाना बजाओ। अच्छा, आपको हिंदी मूवी का गाना सुनना है? और मेरा गाना बजाओ, मेरे पिक्चर का। हाँ ठीक है ठीक है, अभी बजाता हूँ। और इस स्थिति पे यीशु का गाना बजना और ये हो जाता है, बंद हो जाता है और धीरे धीरे फिर कौन सा गाना, संसारी गाना चालू हो जाता है। अरे प्रभु जी, प्रभु जी, और एक कस्टमर दिखाई दे रहा है, मैं उसको ले लूँ? हाँ ले लो। कहाँ जाना है मैडम आपको? आपको कहाँ जाना है सर? ये मैडम कहाँ जा रही है? मुझे उधर तक जाना है। अच्छा, ये मैडम तो एंडी स्टूडियो जा रही है। हाँ क्या, तो मुझे उधर तक जाना है और उनकी साइड में ही बैठना है। उनकी बाजू में बैठना है? मैं एक्स्ट्रा दूंगा। पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे? हाँ। ठीक है, अभी कुछ तो करता हूँ। हे प्रभु जी, आप एक काम कीजिए, आप पीछे वाली सीट पर बैठ जाइए। वो क्या है ना, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं तो मेरा धंधा भी अच्छा हो जाएगा और ज़्यादा पैसा भी मिलेगा, इसलिए आप एक काम कीजिए, पीछे वाली सीट पर बैठ जाइए। और इस रीति से
हैं प्रभु को उठाकर फिर पीछे वाले सीट पर बिठा देता है। मैडम थोड़ा पैर पीछे लीजिए ना कि आपके मांडे पे बैठे। आखिर में उस सीट से भी उठाकर उन्हें किसी और को दे दिया गया। फिर गाड़ी फिर से वो चालू करता है और म्यूजिक यीशु का जो पहले गाना गाता था अभी वो गाना नहीं परंतु संसार का गाना बोल रहा है। अरे प्रभु जी और एक कस्टमर दिखाई दे रहा है उसको भी ले लेता हूँ। आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सब ने मुझे वोट दिया, लेकिन किंतु परंतु मैं उसमें जीत नहीं पाया, लेकिन मैं अगली बार जरूर कोशिश करूंगा। आप कहाँ जा रहे हो? हम लोग तो खोपोली जा रहे हैं। आपको कहाँ जाना है नेताजी? मुझे तो दिल्ली जाना था, लेकिन चलो अभी मुझे आगे तक छोड़ दो। ठीक है चलेगा, आकर बैठ जाइए। नहीं नहीं मुझे वही सीट चाहिए, मुझे वहाँ पर ही बैठना है। आपको भी वहाँ पर बैठना है? इधर देखो मोटी रकम दूंगा आपको। मोटी रकम दोगे? हाँ ठीक है चलेगा, कुछ तो करता हूँ रुको। अरे कस्टमर आ रहे तो गाड़ी तो रोकना पड़ेगा ना। प्रभु जी मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप ये वाली सीट पर बैठ जाइए। वो क्या है ना, नेता बहुत बड़े हैं, उनको उस सीट पर बैठना है। वो जरा ज्यादा रकम भी देने वाले तो वो उधर बैठ जाएंगे, आप इधर बैठ जाइए। उठाकर नेता बैठा दिया उस जगह पर, किसी और को बिठा दिया। गाड़ी चालू हो गई और फिर वापस म्यूजिक वही चालू है जहाँ आप लोगों के गीत देखते थे वो बंद हो गए। प्रभु जी और एक कस्टमर आए हैं, आपको कहाँ जाना है? इमेजी का जाना है। अरे इमेजी का जाना है? अरे वाह वाह गाड़ी भी वही जा रही है, पर हमें ना उधर बैठना है। दूसरे के मांडी के ऊपर नहीं बैठेंगे, प्लीज खाली कर दो सीट। अच्छा ठीक है, मांडी पर नहीं बैठोगे तो फिर सीट खाली कर देता हूँ, एक मिनट रुको। प्रभु जी वो क्या है ना, उनको घूमने जाना है, वो लोग इमेजी का जा रहे हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पर आ जाइए, मतलब वो लोग बैठ जाएंगे, आप ज़रा थोड़ा सा बाहर आएंगे तो अच्छा रहेगा। आइए आइए बैठिए। बेटे मेरे लिए तो कोई सीट ही नहीं है। अभी क्या कर सकते हैं प्रभु जी, देखो आपकी दया से तो इतने सारे कस्टमर मिल गए, अभी सारी सीट तो भर गई, अभी मैं आपको कहाँ बिठाऊँ प्रभु जी? आप तो हमेशा मेरे साथ ही रहते ऐसे भी वैसे भी, तो अभी आप साथ में नहीं है तो क्या हुआ? आपको दिल में तो है, मैं आपको दिल में लेकर घूमता हूँ प्रभु जी। ठीक है अभी आप जाइए। हरी स्थिति से प्रभु को उस गाड़ी से उतार दिया। अरे आप लोग इमेजी का जा रहे हो ना, तो उसका गाना भी गाओ ना। गाड़ी आगे जा रही थी, अच्छी रीति से लोग मजाक उड़ा रहे थे, अंदर लाइन मारने वाला उसको लाइन मार रहा था और हीरोइन बार बार अपने आप को मेकअप के और ध्यान दे के कितना लेट हो रहा है ऐसे करके जल्दी जाने की घाई है, उसकी शूटिंग है। इस रीति से यहाँ ये लवर कपल बीच में दोनों आपस में बहुत व्यस्त है, यहाँ पॉलिटिशियन घमंड में बैठा है, कहाँ क्या करे। ऐसे में गाड़ी जाते समय गाड़ी खराब हो जाती है। अरे रुको देखता हूँ, उतरने तो दो। आज तो लेट ही होगा। अरे बापरे ये क्या हो गया, ये तो टायर पंचर हो गया, अभी मैं क्या करूँ? अरे जल्दी करो मेरी मीटिंग है। अरे हाँ हाँ थोड़ा रुकना पड़ेगा, टायर पंचर हो गए इसलिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। बाय द वे मुझे आपकी गाड़ी में बैठना ही नहीं है, क्या बकवास गाड़ी ली है आपने। अरे टायर का तो पंचर हुआ है, या मुझे लगता है यहाँ पे शूटिंग करना पड़ेगा। अरे दो मिनट रुको मैं अभी ठीक कर देता हूँ। जा रहे हमें आपकी गाड़ी में बैठना नहीं। अरे ये तो मैडम दिख गई, चलो मैं भी जाता हूँ, मेरा क्या काम इसमें। अरे सर आप कहाँ जा रहे हैं? क्या जा रहे हैं, मेरी तितलियाँ तो उड़ गई तो मैं भी जा रहा। अरे सर ऐसा मत करो, अभी टायर चेंज कर देता हूँ। अरे स्थिति से उसका दूसरा कस्टमर भी चला गया। कितना वक्त लगा रहा है, मेरी अर्जेंट मीटिंग है।
जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं। आ रहे कि जा रहे हैं वो तो बताइए। दूसरे दिन पॉलिटिशियन भी आ रहा है जा रहा है कहकर चला गया। अभी हम बैठकर क्या करेंगे, हम भी जा रहे। अरे पैदल थोड़ी इमेज कर जाओगे आप, रुको मैं अभी टाइम मैनेज कर। 2 बजे चालू हो जाते हैं और 10 बज गए अभी तो। ठीक है हम जा रहे हैं। इस रीति से वो कस्टमर भी चले गए और हम देखते हैं कि स्टीफन अकेला रह गया और फिर देखते हैं कि पूरा धंधा जो उसने सोचा था कि बनाएगा लेकिन लॉस हो गया। ये क्या, अभी मेरी गाड़ी में तो एक भी कस्टमर नहीं है और मैंने प्रभु को भी उतार दिया, अभी मैं क्या करूँ। हे प्रभु यीशु, मैं आपसे फिर से विनती करता हूँ, आप मेरी गाड़ी में वापस आ जाइए। बेटा आज मैं तुम्हारे गाड़ी में नहीं आऊँगा क्योंकि तुमने मेरे मुझे प्रथम स्थान अपने गाड़ी में नहीं दिया, जिसकी वजह से मैं अगली बार से आपकी गाड़ी में नहीं आऊँगा। प्रभु जी ऐसा मत कीजिए, आप मेरी गाड़ी में आ जाइए ना, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा, फिर से शून्य हो जाऊँगा। नहीं बेटा, इस रीति से हम आपको ये बताना चाहते हैं इस नाटक के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे और वो स्टीफन से इस नाटक के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे।